हाय गाइस, दिस इज तमन्ना अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अद्भुत कलाकार। मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस आपको सजेस्ट करने को कहा था। आपने मुझे इतने क्रेजी फूड कॉम्बिनेशंस दिए, इतने वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस दिए कि मुझे नहीं पता मैं कैसे ट्राई करूंगी। बट या ये वीडियो पूरी वियर्ड होने, तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है उन फूड कॉम्बिनेशंस के लिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं गोलगप्पे एंड मैगी। मुझे जो वियर्ड कॉम्बिनेशन मिला है वो है मैगी वाले गोलगप्पे खाने का, तो उसके लिए ये है। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न्स विद केचप मुझे खाना है, तो उसके लिए पॉपकॉर्न्स। और सबसे इंटरेस्टिंग और वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस हैं कि गुलाब जामुन वाले मोमोज विद पुदीने की चटनी। अनदर कॉम्बिनेशन है कि आइसक्रीम विद केचप और बनाना विद केचप। इस तरह के फूड कॉम्बिनेशन से देखते हैं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी और आपको सजेस्ट करूँगी अगर इनमें से कोई बाय चांस अच्छा फूड कॉम्बिनेशन हुआ तो। इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं ट्राई करने वाली हूँ मैगी वाला गोलगप्पा, सो लेट्स ट्राई। तो ये रहा मैगी वाला गोलगप्पा और अब मैं इसको खाने वाली हूँ। ठीक है यार, ये तो अच्छा है, मतलब ठीक है, खा सकते हैं, एकदम वियर्ड कुछ नहीं है, नाइस। नेक्स्ट जो अब मैं खाने वाली हूँ वो है गुलाब जामुन वाले मोमोज विद क्रीम चटनी। उसके लिए मेरी डेडिकेशन देखो आप, साइड में आप देख रहे हो ना वीडियो, आप शेयर कर देना इस वीडियो को। मैं स्पेशली गुलाब जामुन वाले मोमोज बनाने वाली हूँ बाय शेफ तमन्ना, एक नई रेसिपी आ गई है। खाली करके रख दिया है मोमो, जिसका सामान मैंने यहाँ पे निकाल दिया, और इसमें मैं गुलाब जामुन अब स्टफ करूँगी। इतना गुलाब जामुन काफ़ी रहेगा, ये और कर देती हूँ स्टफ। अब इसमें डालनी है ग्रीन चटनी। ना 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 ना। कैसा लग रहा है यार, ये बीच में मैगी भी आ गई थोड़ी। पीजी वालों पास यार सामान कम है, बर्तन कम है, तो इसी से सब कुछ कर रही हूँ मैं। डन, अब ये जाने वाला है मेरे मुंह में। माता जी यार, मुझे मोमोज वैसे ही नहीं पसंद और ऊपर से ये कैसे खाऊं यार। खा खा खा, ये तो मना नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में पुदीना की चटनी एकदम से आई तो खट्टी और अजीब सी लगी, बट ठीक था, नाइस रेसिपी। नेक्स्ट जो खतरनाक मतलब जिसको आइसक्रीम से भी प्यार है उसको भी नफरत हो जाए ऐसा कॉम्बिनेशन, आइसक्रीम विद केचप। ऐसे कॉम्बिनेशन कौन देता है यार, मतलब जिसने भी मुझे दिया है मुझे पता है किसने दिया है, पर ठीक है, तुमने ट्राई किया है कभी? हाँ, मुझे दिया। ये केचप है और ये मेरी आइसक्रीम है और इसको मैं खाने वाली हूँ। बकवास बिल्कुल, ये कभी ट्राई मत करना। नो, नेवर, किसी चीज का टेस्ट नहीं आया, मतलब ना केचप का टेस्ट आया ना आइसक्रीम का, इतना खतरनाक, मतलब सबसे वियर्ड अब तक। नेक्स्ट जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है बनाना विद केचप। अभी तक दो अच्छे गए हैं तो शायद ये भी ठीक जाए, देखते हैं। ये है बनाना और इस पे लगाना है केचप। नहा लिया बेचारा बनाना और ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी वैसे देखने में भी। अजीब टेस्ट है, ठीक है,
केचप नहीं आ रहा था मुँह में, उसके बाद जब केचप अंदर चला गया उसके बाद बनाना का टेस्ट आया। ठीक है यार, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाली हूँ वो है गुलाब जामुन विद केचप। ये भी गंदा ही होने वाला है मुझे पता है। तो ये गुलाब जामुन और इस पे मोर, थोड़ा सा नहीं लगाया यार, बहुत सारा लगाया, देखो काफी सारा लगाया मैंने लगाया। अच्छे से मैं इन कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रही हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँ और आपके लिए फन वीडियोस लाती रहूँ। कॉम्बिनेशन है वो फिर से केचप के साथ है। मतलब ये केचप तो सबका फेवरेट है, हर चीज में केचप, हर चीज में केचप वाली कॉम्बिनेशन, वो है पॉपकॉर्न विद केचप। पॉपकॉर्न केचप, अब ये खाने वाली हूँ, इसका तो फील नहीं आएगा छोटे से ना। ठीक था ये तो, थोड़ा सा खाया था। थोड़ा खाया, खाली खा लेती हूँ यार। नेक्स्ट जो फूड कॉम्बिनेशन है वो एक रेसिपी लग रही है मुझे, पर मुझे नहीं पता टेस्ट में कैसी होगी, बट सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, तो मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। अगर अच्छी हुई तो मैं आपको रेटिंग्स बताऊंगी, रिव्यूज दूंगी। इसमें मुझे क्या करना है, ब्रेड लेने हैं, ब्रेड के ऊपर बटर लगाना है, आम का अचार का मसाला जो कि मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं पीजी में हूँ और मेरा अचार ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा अचार मुझे मिला है तो मैं उसको यहाँ रख देती हूँ, और इसमें लेज भर के ग्रीन लेज डाल के खाना है। तो यहाँ मैंने अभी बटर लगा दिया, इसको टोस्ट नहीं करना, ऐसे ही खाना है। ये स्पेसिफिकली ग्रीन लेस बोला था तो मैं ग्रीन लेस ही रख रही हूँ। कैमरा मुझे लुक्स दे रही है, क्या बोल रही है, क्या बात कर रही है, बट सच में अच्छा है यार। लकीला फिर Two seconds later. अच्छा है ना, बोल अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। 10 out of 10 की दिस रेसिपी अच्छी है। मेरे पास अचार नहीं था, अचार से थोड़ा और अच्छा टेस्ट आता है जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। सही बात है, मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, मैं फील कर पा रही हूँ कि इसमें अचार से और अच्छा टेस्ट आता, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।